चिंता बढ़ाउछि खोर्धा जिला 16 नंबर जातीय राजपथ सप्ताहे भितरे गलाणी 5 जीवन जातीय राजपथ संप्रसारण काम साजिछि बैरी पासवे खोलिबा सह दुर्घटना रोकिबाकु जिला प्रशासन निकटरे दाबी करिछन्ति खोर्धावासी एने ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिछि न्यूज 18 ओडिया। रक्तमुखा जातीय राजपथ मुंड नेउछि संप्रसारण काम सप्ताह भितरे गलानी 5 जीवन केतेबेले चढ़ी जाउचित केतेबेले ओलोटी पड़ुची ट्रक रास्ता रे जिबाकु भय करुचंती बाइकर होई खोर्धा 16 नंबर जातीय राजपथ पालटिची मरण जंता दैनिक हजार हजार भारी जान चलाचल करुथुबा बेले रास्ता संस्पर्शारण काम मध्य चालू रहिछि फळरे दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि दुर्घटना विशेष करि खोर्धा तापंग छक थारु पीतापल्ली पर्यंत एक्सीडेंट जोन पलटिथिबा अभिजोग होइछि। काली रिसेंटली काली गोटे पिला मरिगला निरीह पिला गडा बापमा घर छाड़ू छंदी को पढ़िया बेंगे कि कौन करिया बेंगा से माने रास्ता रे आसिला बेले डेंजर होइकि एते विपद होइकि अछि कौनसी बाटर गाड़ी अचानक आसिक माड़ करके मर पिला मैंने तापंग टू पीतापल्ली जाएंगे जो देखिए कंजेस्टेड रोड डेली एक्सीडेंट हो पास रोड भी खोला होनी अंडरग्राउंड रोड टाइप भी खोला होनी जुआड़े देखिए कंजेस्टेड आप देखते सीट निजे भी देखो जगह कंजेस्टेड राति पाइले एक्सीडेंट हो जातीय राजपथ में यात्रा करने को भय करुंचंती बाइक आरोही कारण गत 7 दिन भितर दुर्घटन गलानी 5 जीवन सोमवार दलेपुर निकट में निराकारपुर अंचल सुभाष चंद्र नायकों दुर्घटन मृत्यु होता बेले रविवार प्राणनाथ कलेज सम्मुखें जड़े बाइक आरोही चढ़ी जाता ट्रक प्रतिदिन रास्त घटुवा दुर्घटना लोकं भयभीत करुच्ची दुर्घटना उपर रोक लगवा सहित विभिन्न स्थान में निर्माण होता पार्श्वे को खोल दावी कर स्थानीय बासिंदा तापंग पीतापल्ली जाएंगे आप देखते रोड को रोड अणसरिया रोड करते भारी जान जा कथ नुहे कि भारी जान ए तथापि ये बाइक बाला बहुत भी गुड़ाए चका तले प्राण हराउं तो आम जिला प्रशासन पाखे एत अनुरोध करुचु जे आप यार स्थायी समाधान करतु ना बहुत गुड़े जीवन जीवार बहुत समाधान अच्छे जातीय राजपथ निर्माण करुवा घर ठिका संस्था और जिला प्रशासन मिलित भाव राजपथर सुरक्षा उपर दृष्टि दे दुर्घटना उपर रोक लगिपर जातीय राजपथ रे दुर्घटन रे रोक लगे सहित खूब शीघ्र जातीय राजपथ काम सारे दाबी होई तबे ए दिगरे जिला प्रशासन एवं जातीय राजपथ काम करथिबा ठिका संस्था की पदक्षेप नौची ताकू अपेक्षा खोर्धारु संतोष कुमार बारिक न्यूज 18 ओडिया।